नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर है तो आप क्या जवाब देंगे? अमेरिका? नहीं। यूके? नहीं। ऑस्ट्रेलिया? नहीं। तो फिर कहां है? इंडिया में, हिंदुस्तान में। जी हां, चिनाब ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है ये रेलवे ब्रिज। और ये सिचुएटेड कहां पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी के बीच में सिचुएटेड है। इस पुल की लंबाई है तकरीबन 1.25 किलोमीटर और इस पुल का आर्क कंप्लीट हो चुका है। ये आर्क क्या होता है? सब लोग कह रहे हैं पुल का आर्क कंप्लीट हो गया है, वाह ताली बजाओ। पर आर्क बेसिकली होता क्या है? जब भी हम कोई लंबा पुल बनाते हैं किसी ऐसे एरिया में जहां पर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, जहां पर सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल होती है, जहां वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या फिर समुद्र, तो वहां पर हम पुल को एक आर्क शेप दिया करते हैं। इस आर्क शेप से ये फायदा होता है कि पुल के ऊपर किसी एक जगह पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, पुल के ऊपर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबल हो जाता है और इक्वल हो जाता है। पुल के ऊपर अगर कोई झटका लगता है तो लहर एक जगह से उठकर दूसरी जगह निकल जाती है। एक तरीके से पुल को अर्थिंग मिल जाती है इससे, यानी कि यहां झटका लगा तो लहर उठी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और लहर धीरे धीरे से पुल के रास्ते ही नीचे चली गई। अब रिवर के ऊपर जो आर्क ब्रिज है उसका भी आर्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये मान सकते हैं कि अब जल्द ही पुल का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि रिवर बेड से ये पुल तकरीबन 360 मीटर ऊंचा है, यानी कि आईफिल टावर से भी ये पुल तकरीबन 30 से 35 मीटर ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हिंदुस्तान में। दूसरी चीज ये है कि जहां ये पुल बना हुआ है वहां आतंकवादी हमले होने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इस पुल को 63 मिलीमीटर मोटी स्टील की चादर से बनाया गया है जो ब्लास्ट प्रूफ है। तो ये पुल तकरीबन 40 किलो टीएनटी का ब्लास्ट झेल सकता है। अगर इस पुल के किसी पिलर को इस टीएनटी ब्लास्ट से नुकसान हो जाता है तो इस पुल पे अपने आप ही एक लाइट है जो ऑन हो जाएगी। उसके बावजूद इस पुल पर ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, गुजर सकती है। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे कि भूकंप। तो ये पुल रिक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप भी झेल सकता है। अब आते हैं हवाओं पर। तो ये पुल तकरीबन 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार से चलने वाली हवाओं को झेल सकता है। अगर रफ्तार किसी भी समय 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा होती है तो पुल के ऊपर एक रेड लाइट ऑन हो जाती है, वो मूवमेंट को रोक भी दिया करती है और स्लो भी कर दिया करती है। इस पुल के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाए गए हैं ताकि अगर कोई इस पुल पर फंस जाए तो वो अपने आप निकल भी सके। इतना ही नहीं, इस पुल में और भी बहुत सारी खूबियां हैं, तो आइए देखते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कर दीजिए किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसके कुल 17 स्पैन है। मुख्य आर्क का कुल वजन 10,619 मेट्रिक टन है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा का सामना करने में सक्षम है। दुनिया में पहली बार DRDO की सहायता से इस पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसे बड़े से बड़े भूकंपों से सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है। साथ ही पहली बार भारत में पुलों को वेल्डिंग निरीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसमें की गई वेल्डिंग लेंथ का टोटल लगभग 584 किलोमीटर है, जो कि नई दिल्ली से जम्मू तवी के बीच की दूरी के बराबर है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी फाउंडेशन S4 का आकार किसी फुटबॉल ग्राउंड के एक तिहाई के बराबर है। ब्रिज के निर्माण कार्य में सहायता के लिए 915 मीटर लंबी केबल क्रेन नदी के आर पार स्थापित की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी केबल क्रेन है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य में 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर रेलवे ने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में चिनाब ब्रिज के आर्क के कार्य को करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा यह इंजीनियरिंग चमत्कार विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। आइकॉनिक चिनाब ब्रिज भारत की प्रमुख रेल संरचनाओं में से एक है,
जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। तो दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे का ये 272 किलोमीटर लंबा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है ये कश्मीर के बारामूला को यानी कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब आप रेल से सफर कर सकते हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। हिंदुस्तान में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनेंगे तभी हिंदुस्तान डेवलप करेगा। आपको पता होगा चाइना रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान के इर्द गिर्द डेवलप कर रहा है। अब हिंदुस्तान को भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। खुद ही नहीं, अपनी सेना को नहीं, बल्कि आम आदमी भी अगर हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच जाएगा तो उससे भी हिंदुस्तान काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। हमारी सरहदें जो हैं बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी। उसके लिए यह प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।